हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास नाइन्थ साइंस के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड मींस इज रिफर्ड टू एज अ कंपाउंड, एन एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल, अ मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर होगा एन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स, फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर होगा मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन वन है मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये एक फिजिकल चेंज है। बेंडिंग ऑफ एन आयरन नॉट, ये भी एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक केमिकल चेंज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट पर रहता है एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शंस हैं मर्क्यूरी, ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम। वो करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी पुट अ कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम एक कैम्फर को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कुछ देर के बाद में धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो नॉन मेटल सभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम होता है। और करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स एंड आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, सैचुरेटेड लिक्विड्स, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड्स। तो करेक्ट आंसर इज इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। आपने देखा होगा ऑयल और वाटर को मिक्स करो तो दोनों मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अपनी सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शंस हैं सोडा वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑयल इन वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है ऑयल इन वाटर। और अभी हमने देखा था ऑयल इन वाटर क्या है? इमिसिबल लिक्विड। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ
होमोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज टू सेपरेट अ डाई फ्रॉम ब्लू इंक इज, ऑप्शन है आपके सामने, एवोपोरेशन, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवोपोरेशन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।